लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए। इक्कीस जून को दुनिया भर में योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सेहत को दुरुस्त रखने का ये जांचा परखा माध्यम देश की इकोनॉमी को भी स्वस्थ रखने में मददगार है। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने दुनिया को शरीर और दिमाग को हेल्दी रखने का फॉर्मूला दिया है, तब से इस विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जिससे योग से जुड़ा कारोबार भी बढ़ रहा है। योग के ट्रेड को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान एक्टिव वियर, एसेसरीज, मैट्स, क्लब्स और योग सेंटर्स का है। इनके जरिए इस कारोबार का विस्तार हुआ है। जानकारों का मानना है कि इस खास दिन के जरिए दुनिया भर में भारत की छवि में काफी सुधार हुआ है। आजकल के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की हेल्थ चिंता की विषय है, पर इसे योगा से हल करने में मदद मिल रही है। इसलिए इंटरनेशनल योगा डे को ज्यादा से ज्यादा लोग और देश अपना रहे हैं। इससे भारत को विश्व मित्र से विश्व गुरु की तरफ बढ़ने में भी मदद मिल रही है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी साकार हो रही है। इंटरनेशनल योगा डे पर योगा भारत की एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट, एक सौगात है पूरे विश्व के लिए। ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत बेहतरीन है ही, साथ के साथ हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। योग के कारोबार में हो रही बढ़ोतरी को लेकर ईएमआर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 2024 से 2032 के बीच योग से जुड़ा ग्लोबल मार्केट 9% सालाना की दर से ग्रोथ कर सकता है। 2023 में योग के ग्लोबल मार्केट का साइज 115.43 अरब डॉलर था, जो 2032 तक बढ़कर 250.70 अरब डॉलर होने का अनुमान है। योग के कारोबार में एक दिलचस्प बात ये भी है कि इससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। मार्केट में योग के लिए इस्तेमाल होने वाले मैट, कुशन, ब्लॉक, कपड़े और दूसरे सामान की डिमांड तो बढ़ी ही है, लेकिन कई कंपनियां इसे रिसाइकल्ड मटेरियल से बना रही हैं। योग के चलन में तेजी आने से महिलाओं को भारी संख्या में रोजगार के मौके मिल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में काम करने वाले योग प्रोफेशनल्स में 72% महिलाएं हैं। भारत में ही योग क्लासेस की इंडस्ट्री का रेवेन्यू साइज करीब 2.6 अरब डॉलर का है, जबकि योग इंडस्ट्री का आकार 80 अरब डॉलर का है। कोविड-19 के बाद तो इसमें 154% तक की ग्रोथ दर्ज की गई है। यानी महिलाओं समेत योग से जुड़े सभी प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बढ़िया करियर विकल्प साबित हुआ है। योग के जरिए ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन बाजार तक को बड़ा फायदा मिल रहा है। लोग योग स्टूडियो, योग क्लब और जिम में भी योग से जुड़े कोर्स कर रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स भी ऑनलाइन योग क्लासेस दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।